इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा। बुझे सिगरेट पीढ़ी, दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें, ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। रात को चुरा लूं नींद, दिन में चुरा लूं तेरा चैन। Catch me if you can, baby, catch me if you can। दिल में छुपाया ना किसी को जो बताया, अब नजरों से होने लगा। Catch me if you can, baby.
कुदरत के इंसाफ को समझना इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं। ये कहानी उस दौर की है जब फिल्म स्टार लोग अपनी फिल्मों की तरह लार्जर देन लाइफ थे। ये बात एक ब्लैकर से बेहतर कौन जान सकता है। और उस रात इन सब की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। जारा पीटर फर्नांडिस 60s की एक ऐसी रावस हीरोइन जिसने कामयाबी पाने के लिए सारी हदें साइड में लपेट के रख दी। एक्ट्रेस बनने का जोश और अपनी खूबसूरती का घमंड, इसी वजह से जारा के चाहने वाले कम चलने वाले ज्यादा थे। एक फिल्म का चल गई, इंपाला भी आ गई। चांदनी रजा देहरादून के एक छोटे शहर की लड़की जो अपने टैलेंट के जोर पर एक तगड़ी एक्ट्रेस बनी। जारा और चांदनी का रिश्ता बहुत जूना था। एक्ट्रेस बनने से पहले चांदनी और जारा दोनों डिसिल्वा आंटी के मरीना गेस्ट हाउस में पेइंग गेस्ट रहते थे। चांदनी को जारा से कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जारा चांदनी को लाइक नहीं करती थी। केयरफुल चांदनी, अगर गिर गई तो लोग तुम्हें गिरी हुई कहेंगे। ये अगर कल इसी तरह स्क्रीन टेस्ट में बोली होती ना तो शायद सिलेक्ट हो जाती। तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है जारा? मुझे प्रॉब्लम है तुमसे और तुम्हारी जैसी हर उस लड़की से जो नींद में चलकर हीरोइन बनने आ जाती है। और यही बात अगर मैं तुमसे कहूं तो? कह ही नहीं सकती। मैं तुम्हारी तरह बहन और फ्रेंड्स के रोल नहीं करती। मेरी बंगाली फिल्म सुपर हिट रही, कोई चांदनी नाम रखने से चांद तक नहीं पहुंचता। बॉबी चड्डा हिंदी फिल्मों का एक फेमस डायरेक्टर, इसने बड़ी बड़ी फिल्में बनाई और इसने चांदनी को पहला मेन रोल देने का फैसला किया। मैं लोगों के व्यूइंग हैबिट्स चेंज करना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा हट के सोचता हूँ। तुम इस बिकनी में कमाल की लगोगी चांदनी। रीना, मेरा नाम एक सेंसेशनल फिल्म होगी तुम्हारी इस टोटल चेंज ऑफ इमेज से। सॉरी सर, बट मैं एक्सपोज नहीं करूंगी। विरमांशा एक सुलझा हुआ एक्टर, जारा की लेटेस्ट फिल्म उज्जवल निर्मल शीतल का हीरो और चांदनी का पुराना छावा, बोले तो बॉयफ्रेंड। अच्छा किया, वैसे भी एक्सपोज करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड विरमान, मैंने मना किया क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती। व्हेन डिड आई टेक यू? डोंट अंडरएस्टिमेट मी। अब तो मैं फिल्म करूंगी। अगर तुमने ये फिल्म की Then it's over between us. Tough luck, Sobha ji. पहले आपकी फिल्म और अब जारा। सुब्बा श्री हरे प्रसाद एक स्टार डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, जारा को पहली बार हीरोइन बनाने वाला सुब्बा प्रसाद ही था।
इस फिल्म के लिए मुझे हिंदी सिनेमा की पहली सेक्स सिंबल की तलाश है। बहुत सारी मिली लेकिन बात नहीं बनी। मेरी तलाश तुम तक आकर रुक गई है सारा। I understand, sir. ये रोल पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? न डांस, न एक्सप्रेशन, न पोज, सिर्फ एक्सपोज। सुब्बा प्रसाद पहले साउथ इंडियन फिल्में बनाता था, उसने ही साउथ सिनेमा को उनका सबसे बड़ा स्टार दिया। रवि कुमार और रवि साहब यूपी के गोरखपुर की मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान, प्रेस वालों के लिए सन ऑफ सॉइल बट अ स्टार विद स्टाइल। इसकी साउथ की फिल्मों का बिजनेस हिंदी फिल्मों से ज्यादा होता था। पिक्चर में हीरो बनने से पहले पुलिस इंस्पेक्टर था और बाइक और बहुत खसकेला इंसान था। इतनी खातिरदारी तो कभी नहीं हुई हमारी है? सर आपने तो कुछ लिया ही नहीं। अरे भाई लेने के चक्कर में तो आए हैं यहाँ। अरे रवि सर को सलाम करो। मैं सिर्फ तिरंगे को सलाम करता हूँ, किसी भ्रष्ट मंत्री को नहीं। पागल तो पुलिस डिपार्टमेंट में भी होते हैं। बिल्कुल सही, हरकतों से भी पागल ही लग रहा है, बगैर जलाए सिगरेट पी रहा है। जी सर, बचपन में इसके बाप ने सिगरेट पीने पर इसको बहुत मारा था। अच्छा? तब से इसने सिगरेट पीना छोड़ दिया है, लेकिन सिगरेट के साथ जीना नहीं छोड़ा। ग्रोवर उससे कहना कि 5 बजे तक उसका स्टेटमेंट चाहिए। क्या बोला, क्या बोला? मेरा स्टेटमेंट लेगा? 2 दिन में तेरी वर्दी उतरवा दूंगा, गले में पट्टा बांध के कुत्तों की फौज में भर्ती करवा दूंगा। आजा, आना बे गुर्ता के, आजा मालिक के तलवे चाट, आजा वरना घर का रहेगा ना घाट का। आजा। आ गया कुत्ता। गुड बॉय, चट चट, अच्छा लगेगा तेरे को, चट बे। ये क्या किया तूने? गुस्सा आ गया था। एमएलए की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया, लेकिन रवि कुमार पर केस चला, 1.5 साल की सजा के बाद पुलिस की जॉब भी गई। तभी अखबारों में उसकी चर्चा देखकर सुब्बा प्रसाद एक साउथ इंडियन फिल्म के लिए उससे मिला। तो क्या ख्याल है आपका? अरे आप कुछ ले नहीं रहे जना, और कब काफी मंडवापा? सर सर। हाँ तो हमारी फिल्म में काम करेंगे? करूंगा ना, क्यों नहीं करूंगा, मगर मेरी एक शर्त है, मैं विलन से मार नहीं खाऊंगा और शूटिंग आप पेरिस में करेंगे। वो क्या है ना कि इवनिंग इन पेरिस मुझे बहुत पसंद है। सर इनके तेवर तो फिल्म से पहले ऐसे, आगे क्या होगा? वो कहावत सुनी होगी ना आपने कि राजा का बेटा भले ही नंगा पैदा हो मगर होता वो राजकुमारी है।
और अगर राजाओं से दोस्ती का शौक है तो आपको वही करना पड़ेगा जो राजा को पसंद है। बिल्कुल, तुम्हारे स्टाइलिंग पर थोड़ा काम करेंगे और एटीट्यूड पर भी। When you are ready to go? स्टाइलिंग पे आप काम कर लेना, एटीट्यूड पे मैंने बचपन से काम किया है, वो ये रहेगा। क्या कहा था मैंने? Attitude is everything. सुब्बा प्रसाद बंबई आ गया और हिंदी फिल्मों का शोमैन बन गया। सबके अलावा एक और शख्स था जो जारा की जिंदगी से जुड़ा हुआ था, केनी दमानिया उर्फ केडी। म्यूजिक डायरेक्टर केडी और उसकी वाइफ शबनम, एक ऐसी डायरेक्टर जिसने पैरेलल सिनेमा में अपनी जगह बनाई। शादी के पहले केडी की रंगीनियां फिल्मी पन्नों पर चमकती थी। ये जारा के साथ भी रंगरेलियां मनाता था। इसका डबल चेहरा सिर्फ यहीं तक नहीं था, ये एक ही गाने को दो लोग को भेज डालता था। ये सुनिए सर, एकदम फ्रेश, सिर्फ आपके लिए। है अपना दिल तो आवारा, है अपना दिल तो आवारा, है अपना दिल तो आवारा। वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये सुनिए, एकदम फ्रेश, सिर्फ आपके लिए। तेरे बिन पिया जिया जाए ना, तेरे बिन पिया जिया जाए ना। वाह, क्या बात, क्या बात है। फादर ऑफ ऑल, वी प्रे फॉर दोज होम वी लव बट सी नो लॉन्गर, ग्रांट देम योर पीस, लेट लाइट परपेचुअल शाइन अपॉन देम, एंड इन अ लविंग विजडम एंड ऑलमाइटी पावर वर्क इन देम द गुड पर्पस ऑफ अ परफेक्ट विल, थ्रू जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड, आमेन। बैड न्यूज, जिस तरह से तुम्हारे हीरोइन टेरेस से गिरी, सुसाइड नहीं हो सकता, उसे धक्का दिया गया है। इट्स अ केस ऑफ मर्डर। सिक्सटीज का टाइम फिल्में दुनिया का सबसे रंगीन टाइम था। हीरो को एंग्री यंग मैन और हीरोइन को सेक्स सिंबल का टाइटल दिया जाने लगा था, और सेक्स सिंबल के अलावा हीरोइन के साथ एक और नाम जुड़ गया था, एक्सपोज। रीना मेरा नाम, महुरा चौथ, ऑल द बेस्ट। शीश का समंदर पाने के दीवार, मोहब्बत की दुनिया, इस दुनिया में जो भी गया वो तो गया। हो शीश का समंदर पानी की दीवारें। उज्ज्वल, निर्मल, शीतल, मोहरत शॉट, ऑल द बेस्ट।
उज्जवल निर्मल शीतल। एक्सक्यूज मी थैंक यू मिश्रा जी। हाँ सर। कम देवी और सज्जनों, आई गिव यू हिंदी फिल्मों की पहली सेक्स सिंबल ज़ारा फर्नांडिस। इस फिल्म के लीडिंग मैन विरमान शाह। और वो कहते हैं ना, सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। इस फिल्म का बड़ा सरप्राइज, हिंदी फिल्मों में होंगे पहली बार साउथ के सुपरस्टार रवि कुमार। सब रेडी है, रवि कुमार की कोई न्यूज नहीं है। बंबई आ गए, किसी से मिलने गए। शूटिंग रोक कर? कोई खास है, इससे ज्यादा वो मुझे भी नहीं बताता। शीशे का समंदर, पानी की दीवारें, शीशे का समंदर, पानी की दीवारें, माया है भरम है मोहब्बत की दुनिया। इस दुनिया में जो भी गया तो गया हो, शीशे का समंदर, पानी की दीवारें। गाना कैसा है? इस फिल्म में माल लगा रहा हूं मैं, गाना ही ऐसा है। ये तेरे पसंद के बनवाए हैं, कमाल के हैं। कब तक नाराज रहेगा? 2 साल हो गया है, तू समझता ही नहीं। तेरा गुस्सा, तेरा तेवर सब मेरी तरह है। वैसे तो किसी को नहीं पता, लेकिन मैंने भी कभी नहीं माना कि तू मेरा सौतेला है। और छोटा हो तो ऐसा, हर अदा बड़े भाई पर। एक फर्क है, आप कानून को खिलौना समझते हैं और मैं हथियार। जब तेरे सामने शर्त रखी जाएगी ना कि तेरे प्यार को पाने के लिए ऐसा कारोबार अपनाना पड़ेगा, और जब तेरे पास सिर्फ 1 मिनट होगा फैसला करने के लिए, वरना तेरे जया के पेट में जो बच्चा है वो कोख में ही मारा जाएगा, तब तुझे सब कुछ सही लगेगा। जितना भी बहस कर लो राजनन्ना, जो गलत है वो कभी सही नहीं हो सकता। जब तुझे प्यार हो जाएगा ना, तब तुझे सही और गलत में कोई फर्क नहीं दिखेगा, मजबूर हो जाएगा तू। इस तरह कभी नहीं। मां से वादा किया था इसलिए आया था, वरना हर बार बात यहीं पर आकर खत्म हो जाती है। वेलकम टू बॉम्बे, कैसा लग रहा है सर आपको यहाँ? ये मुझसे नहीं, बंबई से पूछे कि उसे कैसा लग रहा है मेरे आने पर। सर, सुबह प्रसाद के इस फिल्म में तो विरमान शाह हीरो है, तो आप इसमें कौन सा रोल कर रहे हैं? सुपर हीरो का। सर, क्या आपको लगता है कि आपका साथ वाला करिश्मा यहाँ भी चलेगा? इस बात पे मुझे एक शेर याद आया, हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है,
जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। That'll be all. Thank you very much. Thank you. Thank you. आई, इनसे मिलिए, विरमान शाह, लास्ट ईयर का नेशनल अवार्ड विनर। विरमान, रवि कुमार। हेलो, बच्चों से हाथ नहीं मिलाया जाता, उन्हें आशीर्वाद दिया जाता है। इसे पॉलिश करके जी वहां रख दो, और वो जो किताबें हैं उनको भी तरह अच्छी। बताइए क्या करना है। सर पहले मेकअप कर ले। ऊपर वाले ने मेकअप करके ही भेजा है, डायलॉग बताइए। जी सर, पहले विरमान जी बोलेंगे मेरे पास अकल है, फिर आप कहेंगे मेरे पास ताकत है, बस ये शॉर्ट यहीं तक है। एक रिहर्सल हो जाए। जी एक रिहर्सल कर ले। रिहर्सल वो करते हैं जिन्हें अपने आप पर भरोसा नहीं होता, सीधे शूट करेंगे। हेलो सर, ये जारा है, इन्हीं के लिए तो लड़ाई हो रही है आप दोनों के बीच में। अगला शॉट आपका। ओके। जारा, तुम्हारी तकदीर को देखकर जलन हो रही है कि रवि कुमार तुम्हारे लिए लड़ाई कर रहा है। स्टार्ट सॉन्ग। रोलिंग। कैमरा। सीन 38, शॉट वन, टेक वन। एन एक्शन। मेरे पास अकल है, तुम्हारे पास ताकत, अगर हम दो मिल जाएं तो क्या नहीं कर सकते। तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारे पास अकल है और मेरे पास अकल और ताकत दोनों है, और जो भी करना है मैं ही कर लूंगा। कर ये लाइन तो नहीं थी मिश्रा जी? नहीं सर। पाजी थोड़ा गलत हो गया, आपको ऐसा कहना है कि तुम्हारे पास अकल है और मेरे पास ताकत है। तो मैंने क्या बोला? आपने कह दिया है कि मेरे पास अकल और ताकत दोनों ही है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मेरे पास अकल नहीं है? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। नहीं मिश्रा जी, मेरे पास अकल और ताकत दोनों है, मैं यही डायलॉग बोलूंगा। लाइट्स ऑफ। सर जी स्क्रिप्ट में यही लिखा है, ये देखिए। मैं जो बोल देता हूँ वो स्क्रिप्ट बन जाती है, लिख लेना, सुपर हिट स्क्रिप्ट मिल जाएगी। आपकी साउथ की फिल्मों में ऐसा होता होगा, यहां नहीं चलेगा। खून बहुत गर्म है तुम्हारा। आपकी किस्मत अच्छी है कि आप सुभाष साहब के सेट पर हैं, वरना ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते आप। क्या शेख मिलेगा परेशानी करके, क्या पाएगा तौहीन जवानी करके। तू आतिश दोजक से डराता है उन्हें, जो आग को पी जाते हैं पानी करके। मिश्रा जी लिख लेना। रवि कुमार जी, विरमान जी, ये डायलॉग फिल्म के लिए बहुत जरूरी है। लाइट्स। 15 मिनट लगेगा सर, पावर ट्रिप हो गई है। मिश्रा जी। सर लंच के बाद कोई और सीन करेंगे। जी। और आज के बाद ये दोनों एक साथ सेट पे नहीं होने चाहिए। सर ऐसे ये फिल्म कैसे बन पाएगी? उज्जवल निर्मल शीतल बनेगी, और इतनी बड़ी फिल्म बनेगी कि लोग बरसों तक इसे याद रखेंगे। मैं सिर्फ एक फिल्म नहीं बना रहा हूं, आई एम मेकिंग बॉक्स ऑफिस हिस्ट्री। म्यूजिक, कैमरा, एक्शन।
everybody. This is my story. This is what I feel every day. So lonely. In my city, I am alone. Main hi na jaanu ke main hu kaun. I love you, lady. Please be mine. Jo haan tu kar de, then I'll be fine. In my city, I am alone. Main hi na jaanu ke main hu kaun. I love you, lady. Please be mine. Jo haan tu kar de, then I'll be fine. दिन हो चाहे रात हो रहे ये बस आशिकी का मारा है अपना दिल तो आवारा है मज़ेरे आई एम अलोन मैं ही न जानू कि मैं हूँ कौन आई लव यू लेटर प्लीज बी माइन जो हाँ तू कर दे then I'll be fine. मौसम आज तो बड़ा बेकरार है ऐसे में मुझे तेरा इंतजार है कर ले इश्क बाजिया दिन ही चार है दिन ही चार है खोया खोया रहता है तेरी ही बेकरारी में बिचारा है अपना दिल तो आवारा चाहे रात हो रही ये बस आशिकी का मारा है अपना दिल तो आवारा है अपना दिल तो आवारा Got it. Okay boys, break for lunch. पर्दे के पीछे प्रोग्राम में उभरती अदाकारा ज़ारा फर्नांडिस से बातचीत जारी रखते हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि हिंदी फिल्मों की पहली सेक्स सिंबल को क्या आप निजी जिंदगी में भी निभा रही हैं? मसलन आपके ताल्लुकात एक पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर के साथ चर्चित हो रहे हैं जो कि एक ऑफ बीट फिल्मों की डायरेक्टर के साथ यू नो व्हाट आई मीन आप किसके बारे में बात कर रहे हैं खैर हम नाम नहीं लेना चाहते थे लेकिन आप जानती हैं कि हम केडी और शबनम राय की बात कर रहे हैं मीडिया में चर्चा करवाने का इतना शौक है तो रास्ते पे नंगी घुमा करो मुझे बदनाम करने की क्या जरूरत थी तुम आई थी मेरे पास प्रोड्यूसर से मिलने तुमने मेरा इस्तेमाल किया मैंने तुम्हारा सिंपल जितनी पब्लिसिटी मिली है ना मेरी वजह से शुक्र मनाओ वरना कुत्ता भी नहीं पूछता तुम जैसियों को इस शहर में कपड़ों से ज्यादा मर्द बदलती है Damn you, KD. Yeah. Sure. Zara is a selfish bitch. इस्तेमाल किया उसने मेरा अपनी पब्लिसिटी के लिए बहुत तकलीफ हुई कि मीडिया ने आपका नाम उछाला केस कर दूंगा मैं सब पर मुझे पता है आपको मेरी किसी बात पे यकीन नहीं हो रहा और अब जो मैं कहने जा रहा हूं उस पर और यकीन नहीं होगा शादी करना चाहता हूं मैं आपसे मेरे पास इतना बड़ा घर तो नहीं है बहुत खुश रहूंगा लेकिन मैं आपको प्लीज ना मत करना एक शर्त पर शादी के बाद हम मेरे घर में रहेंगे लेकिन ये कैसे हो सकता है अरे लोग क्या कहेंगे लोग क्या आप कम कह रहे हैं थैंक्स टू योर सारा बिच आई एम सो सॉरी शबनम आई एम सो सॉरी फॉर इट कम ऑन मुझे उठ के फॉर्मली प्रपोज करो विल यू मैरी मी माय मैजेस्टी आई लव यू शबनम
बहुत जल्दी यहाँ से जाने की? हाँ, कुछ इंस्टॉलमेंट्स देने बाकी हैं। 6 महीने बाद मेरा अपना घर हो जाएगा। अभी तो पिक्चर की शूटिंग हो रही है, 6 महीने बाद रिलीज होगी। अगर हिट हुई तो ग्रेट, बट नहीं चली तो? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आंटी? आई मिस यू ना डियर। एनीवे, अगर पैसों की ज़रूरत हो तो बता देना। आप कहाँ से देंगी? मैं नहीं, तुम खुद कमा सकती हो। रंजीत देसाई का फ़ोन आया था, मिलना चाहते हैं तुमसे। रोमन फैब्रिक्स वाला देसाई तुमसे एक बार मिलने का 50,000 देने को तैयार है। मुझसे पहले कितनी लड़कियों को ऐसा ऑफर दिया आंटी? क्या चांदनी को भी आपने? नहीं, चांदनी कभी ऐसा नहीं करेगी। 30 साल के एक्सपीरियंस में इतनी तो पहचान हो गई है कि किसको ये ऑफर देना है किसको नहीं। लेकिन इस बार आपसे गलती हो गई आंटी, क्योंकि 50,000 के लिए मैं अपना जिस्म नहीं बेचूंगी। हाँ, अगर वो देसा 1,00,000 देने को तैयार हो तो सोच सकती हूँ। I really appreciate that. Thank you so much. You're welcome, sir. Good evening, ma'am. How may I help you? Connect me to room 407, please. Sure. May I know your name, ma'am? Mr. Desai is expecting me. Okay. किसी ने बताया तुम्हें? असली जिंदगी में तुम ज्यादा सेक्सी लगती हो। सर, सर, वो अगले सीन के लिए आपको मरून कलर का ट्रेंच कोट पहनना। ओके। अरे पानी लाओ जल्दी! अरे पानी लाओ! पावर ऑफ करो! अबे पावर ऑफ कर जल्दी! अरे ऑफिस से कोई फायर ब्रिगेड को फोन करो। सर, सर, रवि जी। ए, जल्दी लाओ पानी। क्या हुआ? रीना मेरा नाम के सेट पे आग लग गई है। अरे जल्दी कैमरा बाहर निकालो! चल चल चल! चलो चलो, जल्दी जल्दी! वो पल रवि कुमार जिसे स्टार के लिए नया था, एक मोड़ जहां उसने महसूस किया कि उसे कभी प्यार भी हो सकता है, लव एट फर्स्ट साइट।
रवि कुमार जी, अंगारों से जलती राह में आप एक मुसाफिर की तरह आए और मुझे बचाया। मुझे नहीं पता कि आपके लिए इस एहसास को मैं क्या नाम दूं। चांदनी जी, इस दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता इंसानियत का होता है, आप इसे वही नाम दीजिए, आपका दोस्त रवि कुमार। You are in love? उनके लिए तो मैं सिर्फ एक दोस्त हूं। आप चांदनी से अपने प्यार का इजहार क्यों नहीं कर लेते? मैं चांदनी से प्यार करता हूं, ये मेरा जज्बा है, और वैसे भी वो विरमान के साथ। मेरी आंखों में तू, मेरी बातों में तू, मेरी यादों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, सांसों में तुझे बसाया है, तेरा सुरूर दिल पे छाया है। Scene 28, shot 13, take 1. An action. सारी जिंदगी गुजार दी तूने पैसा जमा करने में, मगर तू ये भूल गई कि न कफन में जेब है और न कब्र में अलमारी, और कमबख्त मौत के फरिश्ते रिश्वत भी नहीं लेते। Courage, okay, moving on. बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रवि कुमार जी, बहुत बढ़िया। अभी तुमने इतना नहीं सीखा जारा कि तुम मेरी एक्टिंग की तारीफ कर सको। कपड़े उतारने में जितनी मेहनत करती हो ना, उतनी कैरेक्टर को अपने अंदर उतारने में किया करो, ताकि मुझे भी तारीफ करने का मौका मिले। आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तुम्हें चांदनी से है जारा, और जिसे चांदनी से प्रॉब्लम है उससे रवि कुमार को प्रॉब्लम है। Now close. 75 लगा दीजिए। Okay sir. Cut हो गया है। आज रात
हीरोइन क्या बन गई, भाव बढ़ गए तुम्हारे? ऐसी हरकत करने से पहले याद रखना, एवरी एक्ट्रेस इज नॉट फॉर सेल। यस मैम। सुबह प्रसाद जी के साथ आपका हमेशा वन अप मैनशिप रहा है। मैडम क्या है? यहाँ तक कि आपकी फिल्मों की शूट एक ही स्टूडियो में हो रही है, और सुना है सेम गाना प्रसाद जी की फिल्म में भी है। मैंने नहीं, उन्होंने मेरा गाना चुराया है। He stole my song. प्रसाद जी की फिल्म उज्जवल निर्मल शीतल 25 दिसंबर क्रिसमस को रिलीज हो रही है, और उसी दिन आपकी भी फिल्म रिलीज हो रही है रीना मेरा नाम, उसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, then may the best man win. Merry Christmas. बॉबी जी शॉट रेडी। Excuse me. जितनी बड़ी कंट्रोवर्सी उतनी बड़ी हिट। इस गाने से हमारे फिल्म को फायदा ही होगा। I told you, baby. बन गया मस्ता सिर्फ तुम्हारी वजह से। India's first musical star, KD. I love you, Sharmi. I love you, baby. Got it. It's a film wrap. Back up. हाँ गुप्ता जी, हाँ हाँ, अहमदाबाद और इंदौर में? बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। और आप वो कलेक्शन रिपोर्ट्स भिजवा देना। प्यारे जी। जी सर जी। बुधवार तक हर जगह हाउसफुल। मुबारक हो सर जी। एलेक्स से बात हुई? जी सर जी। क्या कहा उसने? उसे कह देना कि उज्जवल निर्मल शीतल को इतना दबा दो कि उठने का मौका ही ना मिले। लेकिन सर जी, साउथ में हम कुछ कर नहीं पाएंगे, रवि कुमार का वहाँ बड़ा नाम है। साउथ की फिक्र तुम मत करो, वहाँ फिल्म देखने कोई नहीं जाएगा। वो कैसे सर जी? उस फिल्म में एक सीन है जिसमें विरमान शाह रवि कुमार को गाली देता है, और ये खबर मैंने वहाँ के सारे अखबारों में छपा दी है। नायडू, मुझे लगता है कि हमें लोगों को समझा देना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स अ फिल्म आफ्टर ऑल, करना पड़ता है। नहीं मानेंगे, वो फिल्म को जला देंगे। अगर आपसे कोई फिल्म में भी बदतमीजी करे, ये उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। कभी कभी ज्यादा प्यार भी नुकसान कर देता है। तू 5 रुपए का टिकट 3 रुपए में दे रहा है? अरे बंडल पिक्चर है यार, फंस गया पैसे लगाकर। सुबह सुबह कुछ तो रुकड़ी करो, चल लेना। छोड़ो ना, इससे अच्छा रीना मेरा नाम दोबारा देख लेते हैं। चलो 5 का 3 बोलो, 5 का 3। मुंबई में सारा इंतजाम हो गया है। ओ छोटा साहब, हाँ, मिनरवा से अरोड़ा तक, राजबंदी से कादम्बरी तक, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सब जगह उज्ज्वल निर्मल शीतल का 5 का 3 हो गया। फोन रखता हूँ। ये सब उस बॉबी चड्डा का गेम है। वो एलेक डिकॉस्टा के साथ मिलकर सारे टेरिटरीज के ब्लैक मार्केटर्स को खरीद लिया, और वो आई ओके वो जब स्ट्रेस बढ़ जाता है तो इस तरह के दौरे पड़ जाते हैं। यस, रवि कुमार। अरे क्या हाल है सर, पाए लागो। मेरे पिताजी कहा करते थे कि जो बार बार पैर छूता है वो कभी कभी पैरों तले जमीन खिसका देता है। डिकॉस्टा के साथ मिलकर तुमने जो चाल चली थी वो अच्छी थी,
मगर फिल्म तब तक फ्लॉप नहीं होती जब तक उसका पोस्टर नहीं उतर जाता। मजाक अच्छा कर लेते हैं आप। मैं तो आपको फोन करने ही वाला था मुबारकबाद देने के लिए। आपकी फिल्म के रिव्यूज बड़े अच्छे हैं, खास तौर पर आपके कैरेक्टर की बड़ी तारीफ हो रही है। मगर मैं तुम्हारे कैरेक्टर की बड़ी बुराई सुन रहा हूँ। क्या सर, क्या बात कर रहे हैं आप, मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। ये फिल्मी बातें मत करो चड्डा, वरना किसी फैन से लटका कर तुम्हें ऐसा घुमाऊंगा कि भूल जाओगे कि इंसान हो या लट्टू। मैं आपसे रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, और आप मुझे जानते नहीं है, खून खराबे से मैं भी नहीं डरता। तेरे शरीर में इतना खून नहीं होगा जितना रवि कुमार एक बार में मूत देता है। क्या हुआ? यकीन नहीं होता ये सब सच है। ये कन्फेशन करूं? सब मानते हैं और पीठ पीछे बोलते भी हैं कि मैंने अपने फायदे के लिए तुमसे शादी की। आज मैं एक्सेप्ट करता हूं कि ये सच है। पता नहीं कितनी बार मैंने तुम्हें आई लव यू बोला, पर कभी दिल से नहीं बोला। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ ये आई लव यू शादी के बाद कब सच में बदल गया मुझे पता ही नहीं चला। आई एम सॉरी सुरान, आई प्रॉमिस मैं वो केडी बनके दिखाऊंगा जिससे तुमने प्यार किया था। You got nothing to say? आओ आज नाइट के लिए लेट नहीं हो रहे। मैं अपने हबी का सबसे पहला अवार्ड मिस नहीं करना चाहती। Love you. जारा जी, आपका फर्स्ट बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड कैसा लग रहा है आपको? Honestly, I was not expecting it. क्योंकि आप लोग तो हिट फिल्मों को ये अवार्ड्स देते हो ना। आपका इशारा चांदनी रॉय की तरफ तो नहीं है? No comments. आप समझदार हो। केडी सर, दो शब्द। दिस फॉर माय लव, वन एंड ओनली शबनम। हे रोनी। सर। और कहाँ है तुम्हारा स्टार? मुझे पाए फिर रहा है क्या? चड्डा साहब, आज की शाम उनके मुंह में मत लगिएगा, बल्कि मैं तो कहूंगा उनके सामने भी मत आइएगा। Enjoy the party. सर, अवार्ड फंक्शन में नहीं दिखे, सीधे पोस्ट अवार्ड पार्टी में। मेरे पिताजी कहा करते थे कि जिसे जीते जागते इंसानों के प्यार का रिवॉर्ड मिलता है, उसे पीतल के अवार्ड का मोह नहीं करना चाहिए।
ladies and gentlemen, welcome to our special Hollywood theme party, a night full of surprises. Award winners ko hamari taraf se bahut bahut mubarak. Enjoy the evening. Nirman ko award lene se inkar nahi karna chahiye tha. After all, hamari film mein ek supporting actor hi to hai wo. Ek hit film kya mil gayi, apne aap ko Dilip Kumar samajhne laga. Hit? Sara. Excuse me. Yeah. ये ड्रेस कहाँ से खरीदा तुमने? आपको पसंद है? बहुत। सोच रहा हूँ अपने घर के पर्दों के लिए ये फैब्रिक कमाल का रहेगा। आप हमेशा ऐसी बातें क्यों करते हैं? हेलो रवि जी। मैं तो आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। ज़ारा, तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि दोस्ती हमेशा बराबर के औकात वालों में होती है? इसीलिए तो आपकी बराबर वाली जगह पे आना चाहती हूँ, चाहे वो आपके बेडरूम में ही क्यों ना हो। रवि कुमार जी, आप विश्वामित्र हो तो मैं भी मेनका हूँ। आपकी तपस्या भंग कर दूंगी, बिखर जाएंगे आप। तुझ जैसी लड़की क्या बिखरेगी मुझे? रवि कुमार लंगोट का बहुत पक्का है, वो बिस्तर पर नींद के अलावा कुछ नहीं लेता। Congratulations. Thank you. वैसे आपकी good wishes की जरूरत थी। तो फिर इसकी क्या जरूरत है? See you around then. Stop staring, sir. वरना लोग समझ जाएंगे। Ladies and gentlemen, and now for the surprise of the evening. Ravi Kumar ko humne awards night par miss kiya, but not here. We have a special performance by him tonight. And the best music composer of the year, KD. Unka saath denge tonight's award winner Zara and the gorgeous new star Chandni. मेरे जैसा बेबी यहाँ कोई नहीं, मुझे पता है तू कल सोई नहीं, सबको पता है तुझे हो गया लव, सच्ची बता दे हो गया कब, और कहती जाने मन क्या किया ओ प्रिया, मैं हूं तेरा जिया। आइसक्रीम खाऊंगी, कश्मीर जाऊंगी, शोरों में भड़के जिया, चल फिकर आऊंगी, उस कर जाऊंगी, जो होगा मेरा पिया। जो हाल है तेरा वही हाल है मेरा,
तूने जाने मन क्या किया, ओ प्रिया मैं हूं तेरा जिया। Hello, Zara. Remember me? I'm in room 409. Forget it. अब आप मुझे afford नहीं कर पाएंगे. क्यों? कोई नया हीरो मिल गया? 409. Clever. Very clever. मेरी हीरोइन के साथ परफॉर्मेंस का आइडिया अच्छा था. आखिर हिट है वो. Don't push your luck, चटा. मुझसे दूर रहो. I know. नायडू भी मुझे धमका रहा था. क्या लगता है तुम जैसे स्कूल बुली से मैं डर जाऊंगा? गुड शो रवि कुमार, गुड शो. एनी प्लान्स टू टीम अप विद चांदनी फॉर योर नेक्स्ट फिल्म? जी हाँ, इनके साथ वही डिस्कस हो रहा था. यू विल गेट एन एक्सक्लूसिव मदन हीरा जी. एक्सक्यूज मी. ही इज राइट. अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो सबसे पहले खबर आपको मिलेगी. थैंक यू. दरवाजा बंद क्यों किया? ऐसे डायलॉग तो हीरोइंस कहती रेप से पहले. और वैसे भी स्कूल का बुली टॉयलेट में तो शिकार करता है. लुक रवि कुमार, यू आर ड्रंक. चड्डा साहब वहां नहीं, उस तरफ. थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं. आइए. हम जा कहां रहे हैं रवि कुमार? आइए तो सही. लिसन टू मी. तो क्या कह रहे थे? मेरे और चांदनी के साथ फिल्म बनाएंगे. डोंट मेक अ सीन, वो प्रेस वाले देख लेंगे. अच्छा है ना, उन्हें कुछ सच लिखने का मौका भी मिलेगा. आइंदा आप मेरे और चांदनी के बारे में अदब से बात करेंगे. क्या हुआ? ये क्या रवि कुमार के फिल्म की शूटिंग चल रही है? और कोई कैमरा तो दिख नहीं रहा. किसी बिल्डिंग के ऊपर लगा होगा. ये नया एक्टर भी बड़ा कमाल का है. सर, जाने दीजिए सर, मर जाएगा. मेरी मार दवाई की तरह है चटा.
जब भी तू ऐसी कोई हरकत करेगा तुझे डोज जरूर मिलेगा। Congratulations. Fabulous performance. If you say so, Ronnie. मेहरा साहब से बात हुई थी उनकी अगली फिल्म को लेकर। वो कह रहे थे तुम्हारी और मेरी जोड़ी हिट जोड़ी बन सकती है। क्या कहती हो? हीरोइन बनोगी मेरी? सिर्फ पर्दे पर या उसके पीछे? Stop pulling my leg. वैसे खूब जमेगी हम दोनों की। You know why? Of course. जो मुझे चाहिए वो आप दे सकते हो और जो आपको चाहिए वो मैं दे सकती हूँ। Jokes apart. एक बात और कॉमन है हम दोनों के बीच। हम दोनों चांदी को कितना चाहते हैं। Cheers to that. इसे उठाना आसान नहीं है। You know how heavy it is. जब मेरी चलती है तो तुम्हारी क्यों चलती है ज़ारा? Take it easy. एक आध हिट फिल्म दे दो, लोग तुम्हारे भी ऑटोग्राफ लेंगे। ऑटोग्राफ से टैलेंट नहीं साबित होता है, टैलेंट ये है। इसे संभाल कर रखना, पड़े फड़े जंग ना लग जाए। इतिहास के पन्नों पर कभी जंग नहीं लगेगा, उस पर आज मेरा नाम दर्ज है। इतिहास के पन्नों में नाम अक्सर दबकर रह जाते हैं ज़ारा, पर मेरी फिल्म लोग सालों तक याद रखेंगे। अफसोस तुम्हारी फिल्म किसी ने देखी ही नहीं तो। मेरी फिल्म भी चलेगी चांदनी। कैसे? कोई जादू की छड़ी घुमाओगी या फिर केडी जैसे किसी आदमी से अफेयर करके कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी करोगी? आइडिया अच्छा है। रवि कुमार कैसा रहेगा अफेयर करने के लिए? वाह, व्हाट चिवलरी। लेकिन जो दुनिया के सामने कपड़े उतार चुकी है उसे ढककर क्या फायदा विरमान डालिंग? तुम्हारी चांदनी धंधा करती है। विरमान, डोंट लिसन टू हर। लुक, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे और इसके बीच में कुछ चल रहा है। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी इसके साथ, यू नो व्हाट आई मीन, यू आर अ नाइस गाय, स्टे अवे फ्रॉम सच वुमेन। Look, Milman, I don't owe you an explanation, but you know her. She's lying. Keep, don't you shoot, Bolre? Shoot, Bolre, don't you? You. Channi, अगर ये बात ज़ारा ने कही होती ना, तो मैं विश्वास नहीं करता। मगर Ron, इसके पास क्या वजह है झूठ बोलने की? ये जो वर्जिन बन के घूम रही है ना, सबको पता चल गया है। Excuse me, Zara, stop it. रेस्ट वाले देख रहे हैं, फिल्म को नुकसान हो जाएगा। Come on, get out of here. आप किस दुनिया में जी रहे हैं सुबह प्रसाद जी?
आपकी फिल्म फ्लॉप है। सच्चाई को पहचानिए, गलती कर दी आप पर भरोसा करके। Zara, you're drunk. Why don't you go up to your room? Come on. Go on. चांदनी, चांदनी, सर, are you okay? Yeah, I'm okay. I'm okay. आपने ज़ारा को कहीं देखा है? Frankly, laga ki it's not. Excuse me, sir. Have you seen Katie? I don't think so. Okay. Thank you. Yeah, man. Laga ki it's का है। वो यस व्हाट आयशा, लेकिन अभी अभी तो यही थी। Ladies and gentlemen, माफ कीजिएगा, sorry to interrupt the party, but we've had an accident. ज़ारा की मौत एक हादसा नहीं है और हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि उन्हें सबूत की तलाश है। हमें यह भी सुनने को मिला है कि ज़ारा डिप्रेशन का शिकार थी और उन्होंने पहले भी सुसाइड करने की बात की थी। डिप्रेस थी, थोड़ी सी पी हुई भी थी, बट फिल्म उतनी अच्छी नहीं जाती है तो सबको तकलीफ होती है, बट उसके लिए अपनी जान ले लेना, आई डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन पुलिस की प्रेस रिलीज़ कहती है इट्स अ केस ऑफ मर्डर। अच्छा, then let the law take its own course. One last question, सुबह जी, अगर ज़ारा, I'm sorry हीरा साहब, मैं इस वक्त और बात नहीं कर सकता, you'll have to excuse me. सर, श्याम बाबू का फोन था, दिल्ली और यूपी डिस्ट्रीब्यूटर्स को 7 प्रिंट और चाहिए, कल से सारे शोज फुल हो रहे हैं। सर, आप मीडिया को अवॉइड मत कीजिए, सारा की मौत को जितना उछाल सकते हैं उछालिए, शायद हमारी फिल्म के लिए एक और मौका हो। एक फायदे की बात करता हूं, वो डबिंग आर्टिस्ट है ना ममता, जो हीरोइंस की आवाज की नकल करती है, उससे ज़ारा की आवाज में एक रिकॉर्डिंग करवाते हैं।
हमें जारा का आखिरी इंटरव्यू मिला है जो उन्होंने आत्महत्या करने से पहले दिया था। इस रिकॉर्डिंग से साफ जाहिर होता है कि बाहर से खुश दिखने वाली जारा अंदर से बहुत ज्यादा डिप्रेस थी। कामयाबी मेरा जुनून है, लेकिन डर भी लगा रहता है कि एक दिन मैं खुद ये सब छोड़कर चली जाऊंगी, तब निगाहें हमें ढूंढेंगी, पर न जाने हम कहां होंगे। द ऑडियंस इज रियली मिसिंग हर। उन्होंने उज्जवल निर्मल शीतल को एक बहुत बड़ी हिट बना दी है। इंस्पेक्टर मिस्टर विमान शाह जी, आपके नाम रेस्टोरेंट है। और फिल्म स्टार जारा फर्नांडिस के कत्ल के इल्जाम में बॉम्बे पुलिस ने अभिनेता विमान शाह को हिरासत में ले लिया। जेल से कारणी का फोन आया था, ग्रोवर का डेपुटी। विरमान शाह ने इंस्पेक्टर ग्रोवर के साथ हाथापाई की है। खून बहुत गर्म है इसका। फिल्म के बाद मेरी कारणी से बात करवाना, विरमान को मेरी जरूरत है। आप विरमान को बचाना चाहते हैं? अब तो चांदनी जी उसे पसंद नहीं करती, मगर कभी तो करती थी ना। और जो चीज चांदनी को पसंद थी वो मेरे लिए हमेशा बेशकीमती रहेगी। अगर आज मैं उस बच्चे की मदद नहीं करूंगा तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी। मैं विरमान से उतनी नफरत नहीं करता जितना अपनी नींद से प्यार करता हूं। मैं पेरिस जाने से पहले कार्निक से मिलना चाहता हूं। मैं और तुम घर हम हो जाते,
मैं और तुम गर हम हो जाते आज बिन बुलाए मेहरबानी क्या बात है मोहब्बत सही कहा था आपने आदमी इतना मजबूर हो जाता है कि मोहब्बत में जो असूलन गलत होता है वो भी सही लगता है हुआ क्या एक मौत हुई है चलता हूं बस इतना ही बताने आया था कम से कम नाम तो बता जा जिस दिन उसको बता दूंगा आपसे भी नहीं छुपाऊंगा Mr. Malani, are you ready to begin the proceedings? Can I take a minute? Yeah, sure. Sorry to break protocol, Your Honor. But as an ex-police officer, मैं आपसे request करना चाहता हूँ कि मुझे permission दी जाए इस court की सुनवाई शुरू होने से पहले Inspector Grover को कुछ बताने के लिए जो इस case के लिए बहुत important है Objection, Your Honor. Only a minute. You're holding the court. Obliged, Your Honor. Grover, मैं आज भी 5 साल पहले वाला रवि कुमार हूँ बदन पे वर्दी नहीं है मगर सन की पनाज भी उतना ही है तेरा इकबाल बयान आज भी ले सकता हूं कार्निक से बात हो गई है मेरी सच बोल दे वरना तेरा भी हाल वही होगा जो मेरे हाथों लॉकअप में मंत्री का हुआ था इतना मारूंगा कि जज के ऑर्डर ऑर्डर बोलने से पहले तेरे लिए एम्बुलेंस का ऑर्डर दे दिया जाए Mr. Ravi Kumar, that's enough. Let the proceedings begin. Your Honor, this case, the state versus Virman Shah. Prime accused in the murder of actress Zara Peter Fernandez. मुझे अफसोस है कि अभी अभी इस केस में कुछ डिस्क्रेपेंसीज आ गई हैं
इनफैक्ट एट दिस पॉइंट मुझे ये चार्ज ही गलत लग रहा है। योर ऑनर, मुलजिम विरमान को जारा की डेथ में इम्प्लिकेट करने के लिए हमारे पास कोई वजह नहीं है। आप प्रोसिक्यूटर हैं या डिफेंस लॉयर? आई एम सॉरी योर ऑनर, लेकिन मेरा जमीर मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं एक ऐसे आदमी के खिलाफ केस लड़ूं जिस केस में कोई क्लियर एविडेंस ही ना हो। अगर मुलजिम गुनेगार नहीं है तो आप जानते हैं गुनेगार कौन है? यस योर ऑनर, मैं इंस्पेक्टर ग्रोवर से दरख्वास्त करता हूं कि वो खुद इस कोर्ट को बयान दे। वी आर वेटिंग इंस्पेक्टर। योर ऑनर, इस केस के कुछ वाइटल क्लूज हमें मिले हैं जो अभी अभी मेरे डिप्यूटी कार्निक ने मुझे बताया। इससे यह साबित होता है कि जारा फर्नांडिस की मौत में म्यूजिक कंपोजर केनी दमानिया का हाथ था। योर ऑनर, अराउंड मिडनाइट जारा पार्टी छोड़कर अपने स्वीट की तरफ गई। केडी वॉज वॉचिंग। मैं जरा अभी वॉशरूम होके आता हूँ। Why don't you get yourself another drink? All right? Waiter? क्या जरूरत थी सबके सामने इतना बड़ा नाटक करने की? Now you wanna fight with me? क्या हो? हैं? इतना गुस्सा? इतना गुस्सा? हैं? बड़े हरामी हो केडी। शबनम के सामने इतना बड़ा नाटक। अरे तरह तरह की बातें करने लगे थे लोग मेरे बारे में, और अब उस बुढ़िया के सामने मेरी इमेज बिल्कुल ठीक है, कभी शक ही नहीं करेगी मुझ पर। मुझसे रूठ कर जाओगे कहाँ? Shabnam, I don't care. Let me go. Katie, are you there? Sorry, no. She's coming in. No, you're not going. Is that you, Katie? No, you're not going. She's coming. No, you're not. Let me go. It was just an accident. मैं मानता हूं मैंने उसे धक्का दिया, लेकिन जानबूझ के नहीं। मैंने तो सिर्फ इंस्पेक्टर ग्रोवर को रिश्वत दी कि वो अपना बयान बदल दे। विरमान जारा के पीछे गया था, कई गेस्ट ने देखा था उसे। इस बात पे बहुत कुछ कर सकते हैं आप। अगली बार इतना ऑब्वियस क्लू साइट पे मत छोड़ा करो। थैंक यू सर। जारा की डेथ को हम सुसाइड या एक्सीडेंट भी तो बता सकते हैं, विरमान को फंसाने की क्या जरूरत है? कार्निक, पूरे डिपार्टमेंट को पता है कि जारा जिस टेरेस से गिरी थी वहां हमें कोई सबूत मिला था, तो मुजरिम में तो चाहिए ना। अब केडी से पैसे वसूले, उसको तो बचाना ही पड़ेगा। लेकिन सर, केडी के कफलिंग काम क्या करे? उस कफलिंग के एविडेंस को मैंने रिप्लेस कर दिया है। तुम कोई चार पांच गवाह ऐसे इकट्ठा करो जिन्होंने विरमान शाह को टेरेस की तरफ जाते हुए देखा था। जारा ने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा किया, विरमान शाह को गुस्सा आ गया और उसने And I'm sorry for it.
इस बयान को मद्देनजर रखते हुए अदालत विरमान शाह पे जारा की मौत का इल्जाम रिव्यू करेगा। द कोर्ट ऑर्डर्स केनी रमानिया टू बी टेकन इनटू कस्टडी। मैं बयान देना चाहता हूं। ओके, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, मिस्टर रवि कुमार कुछ बयान देना चाहते हैं। ग्रांटेड। योर ऑनर, कोर्ट ने अब तक जो कुछ भी सुना वो अर्थ सत्य है। उस रात का पूरा सच अब तक छिपा हुआ है। पुलिस वाला रहा हूं ना, नजरें दूसरों से थोड़ी और तेज है। होटल की टेरेस पे जहां से जारा की गिरकर मौत हुई, एक पैरापिट है। अगर कोई भी टेरेस से गिरे तो उस पैरापिट पे ही गिरेगा। जारा के साथ भी यही हुआ था, वो टेरेस से पैरापिट पे गिर के बच गई। और उसके बाद कोई था जिसने जारा को उस पैरापिट से धक्का दिया। योर ऑनर, आई एम नॉट श्योर कि वो कौन है, मगर वो यहां पर मौजूद है। विद योर परमिशन में आए। लगता है सुबह प्रसाद जी को पानी की जरूरत है। आपकी खांसी ने बहुत कुछ बता दिया है सुबह प्रसाद जी। और क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था कि जिस पैरापिट पे जारा गिरी थी उसके ऊपर वाला कमरा आपके नाम से बुक था? जो कुछ भी हुआ अब आप खुद ही बता देंगे तो अच्छा होगा। ज़ारा? उज्ज्वल निर्मल शीतल कभी फ्लॉप नहीं होगी जरा, जो तुम्हारे जीते जी नहीं हुआ वो अब होगा। सुबह प्रसाद जी मेरे मेंटोर हैं। मुझे अफसोस है कि मुझे इस तरह की गुरु दक्षिणाएं नहीं देनी पड़ी। सुबह प्रसाद, दिस कोर्ट होल्ड्स यू गिल्टी फॉर द मर्डर ऑफ जारा। Thank you.
थैंक यू। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन जो कुछ भी होता है शायद अच्छे के लिए होता है। यू गॉट टू गेट ऑन विद लाइफ। चांदनी, 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 आई एम सॉरी, वो रॉनी गलत गुस्सा आ गया था मुझे। कैसे मान लूं कि फिर कभी गुस्सा नहीं आएगा? कम ऑन चांदनी, आई सेड आई एम सॉरी। विरमान, फिर ओवर नाउ। स्टॉप डिनाइंग इट चांदनी, यू लव मी, आई नो इट, यू नो इट, मगर एक्सेप्ट नहीं कर रही हो तुम। देखो, जब प्यार हो तो इसका इजहार ना करना बेवकूफी है। कम ऑन चांदनी, इजहार करो। एक्चुअली यू आर राइट विरमान, मुझे अपने प्यार का इजहार करना चाहिए। मुझे प्रॉब्लम है तुमसे और तुम्हारी जैसी हर उस लड़की से। रवि कुमार कैसा रहेगा फिर करने के लिए? कोई चांदने नाम रखने से चांद तक नहीं पहुँच। ये जो वर्जिन बन के घूम रही है ना, सबको पता चल गया है। तुम्हारी जानू धंधा करती है, तुम्हारी जानू धंधा करती है, तुम्हारी जानू धंधा करती है, धंधा करती है, धंधा करती है, धंधा करती है, धंधा करती है। गुस्सा और शराब इंसान को बेकाबू कर देते हैं चांदनी। जारा को तो वैसे भी सजा मिलनी थी, कांच कहीं तुम्हें लग जाता तो मेरा क्या होता। जानती हो चांदनी, जिस आग की वजह से हम पहली बार मिले थे वो आग सारा ने लगवाई थी। छोटे, पता चला है कि रीना मेरे नाम के सेट पर जो आग लगी थी वो तुम्हारी हीरोइन जारा ने लगवाई थी। मेरे पैसे लगे इस फिल्म में। नहीं अन्ना, जारा को कुछ मत करना वरना सुबह प्रसाद मुश्किल में आ जाएगा। ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा, लेकिन छोटे अफसोस मत करो चांदनी, कुदरत के इंसाफ को समझना इंसान के बस की बात नहीं है। और वैसे भी चांद सबकी किस्मत में नहीं होता, और जिसे चांद मिल जाए वो उसे उसके एक दाग के लिए छोड़ नहीं देता। इन लोगों को इनके अंजाम तक मैंने तुम्हारे लिए पहुंचा है चांदनी। तुम्हारी गलती मेरी आंखों ने देखी है, मेरी याददाश्त ने नहीं।
सो ये कहानी उस दौर की है। वो टाइम में फिल्म स्टार लोग अपनी फिल्मी जिंदगी को एकदम हकीकत ही समझने लगे थे, एंड दैट इज द रीजन वो बिल्कुल भटक गए थे। केडी को 7 साल की सजा हुई, उसने जेल में भी अपना म्यूजिक नहीं छोड़ा। उसका लेटेस्ट एल्बम है जेल हाउस रॉक, जिसका एल्विस प्रेस्ली के एल्बम से कोई लेना देना नहीं है। विरमान अपने काम में मसरूफ हो गया, मगर चांदनी को खोने का दुख हमेशा रहा। शबनम ने अपने आधी उम्र के एक जवान राइटर से शादी कर ली। अब तक तो देखकर लगता है कि वो शादी में खुशी है। इंस्पेक्टर ग्रोवर का ट्रांसफर एक ऐसी जगह हो गया कि रिश्वत तो दूर, पीने को पानी और खाने को खाना भी नहीं है लोगों के पास। बॉबी चड्ढा जारा मर्डर केस पे फिल्म बना रहा है, जिसमें विलन का किरदार सुब्बा प्रसाद से इंस्पायर्ड है। अब बॉबी की जिंदगी में सिर्फ दो ही मकसद है, एक फिल्म बनाना और दूसरा रवि कुमार के सामने कभी नहीं आना। सुब्बा प्रसाद को उम्र कैद हो गई, लेकिन वो जेल से ही बॉबी चड्ढा पर दावा करने की तैयारी कर रहा है। उनकी राइवलरी कंटिन्यू है। कोई बोलेगा ये आलीशान सफेद बंगला में उज्जवल निर्मल शीतल का टिकट ब्लैक में बेच बेच के बनाया, पहले 5 के 3 5 के 3 फिर 5 का 20 5 का 20। सारे के सारे रह गए, खाली में बच गया ब्लैकर, नाम भी हाउसफुल रखा है। चांदनी के दिल पर हमेशा जारा की मौत का बोझ रहा। गॉसिप मैगजीन ने जारा की मौत पर कई पहलू पेश किए, लेकिन चांदनी का राज रवि कुमार के दिल में दफन रहा, क्योंकि उसका मानना था कि प्यार में जो गलत है वो भी सही है। शीशे का समंदर, पानी की दीवारें, माया है भरम है मोहब्बत की दुनिया, इस दुनिया में जो भी गया वो तो गया। दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम घर हम हो जाते, कितने तुम घर हम हो जाते, तेरे बिना ना आए सुकून ना आए करार मुझे, दूर वो सारे भरम हो जाते, मैं और तुम घर हम हो जाते, मैं और तुम घर हम हो जाते। इश्क अधूरा दुनिया अधूरी, ख्वाहिश मेरी कर दो ना पूरी, दिल तो यही चाहे तेरा और मेरा, हो जाए मुकम्मल ये अफसाना, हर मुश्किल आसान हो जाती, मैं और तुम घर हम हो जाते, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम घर हम हो जाते, मैं और तुम घर हम हो जाते। Expose.